you are also, you can't get up in the death. ओ बीजेपी हेले एजाए जणे भी प्रार्थी ना घोषणा करिनि शासक बीजेपी चली बैठक पर बैठक हेले फाइनाल हो पारुनि फाइनाल लिस्ट एबटे आहुरी 58 आसन पई अंक कसुछि कांग्रेस एई सबु भितरे कर्नाटक राजनीति रे धसेई पसिछि दुग्ध कर्नाटक रो ब्रांड नंदिनी बनाम गुजरात रो अमूल को नै जोर धरिछि राजनीति सरिला कोरोना मॉक ड्रिल हॉस्पिटल रे डेमो देखाइले स्वास्थ्यकर्मी एपटे देश में पुणी 6000 महा दैनिक संक्रमण कौन ताइवान उपरे आक्रमण कर कि चीन समराभ्यास जरिया ट्रेलर देखाइला कि बेजिंग कौन रही जिनपिंग को प्लान ट्रेंड करुछंती सिक्सर बॉय रिंकू सिंह सबुठी रिंकू चर्चा किभली सफलता पाइले युव क्रिकेटर ए सबको नहीं आसतु देखा आमर फोकस पॉइंट मुंडो उपरे कर्नाटक विधानसभा निर्वाचन हेले एजाए तुटुनी टिकेट बंटा कली कांग्रेस पार्टी दुई दुईटी पर्याय प्रार्थी तालिका घोषणा कर सारी बेले एजाए खाता खोलिनी शासक बीजेपी गत दुई दिन धरी दिल्ली में डेरा पकाई कर्नाटक बीजेपी तुंग नेता मुख्यमंत्री बसवराज बोमाई पूर्वतन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली में केन्द्रीय नेतृत्व सहित विभिन्न पर्याय आलोचना कर सारी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गृहमंत्री अमित शाह परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक प्रार्थी तालिका उपरे चर्चा करिछंती तबे बीजेपी रे टिकेट बंटा को नहीं केउठी ना केउठी अंक छिडु नथिबा कहा जाउछि मुख्यमंत्री बोमाई कहिछंती जे आलोचना चूड़ांत पर्याय पहुंची मंगलवार सुधा प्रकाश पाइब बीजेपी प्रथम तालिका एथिरे 170 रु 180 पई प्रार्थी ना घोषणा करबटे कांग्रेस वर्तमान सुधा 166 आसन पर प्रार्थी तालिका घोषणा कर सारी बेले 58 सीट रे छिड़ुनी भाग एथिपाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बासभवन में सोमवार बसीला गुरुत्वपूर्ण बैठक सामिल होती कांग्रेस नेता राहुल गांधी वेणुगोपाल रणदीप सुरजेवाला कर्णाटक कांग्रेस नेता सिद्धरमैया और डी शिवकुमार सूचना अनुसार कांग्रेस में पखापाखि 2 डजन आसन में प्रार्थी चयन को नहीं रही समस्या तेरे कर्णाटक आसंता मे 10 रे भोट और मे 13 रे रिजल्ट एप्रिल 20 तारीख प्रार्थीपत्र दाखल शेष दिन होता बेले चूड़ा प्रार्थी तालिका प्रस्तुति आरंभ कर उभय बीजेपी और कांग्रेस मुंडविंधार कारण साजि चूड़ा प्रार्थी तालिका प्रकाश करने आपको कल मेरा ख्याल से पूरा आपको जानकारी होगी जब लिस्ट रिलीज हो जाए सर कहा जा रहा है कुछ सीटों में पेट फंसा हुआ है और येदियुरप्पा साहब भी नाराज चल रहे हैं नहीं वो तो सब मीटिंग में है और सलाह दिया है उनके सलाह पे सब चल रहा है कर्नाटक निर्वाचन रे मिल्कवार नंदिनी बनाम अमूल राज्यर लोकप्रिय दुग्ध ब्रांड नंदिनी सहित गुजरात अमूल मिश्रण खबर प्रकट होबा परे हलचल होई राज्य राजनीति तेरे कन्नड़ परिचय कहुवा नंदिनी ब्रांड सपक्ष में उठी स्वर बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस मध्य जोर धरी बागुद्ध विरोधी पक्ष शासक पक्ष को टार्गेट कर पलटा जवाब रखिंट मुख्यमंत्री कर्णाटक रे नुआ निर्वाचनी मुद्दा मिल्क ब्रांड नंदिनी बनाम अमूल बीजेपी उपरे बरसिले विरोधी मिश्रण अभियोग को मुख्यमंत्री खंडन कर्णाटक रे दुग्ध ब्रांड हेबो कि निर्वाचनी प्रसंग राज्य भितरे राज्य बाहर क्षीर प्रवेश प्रसंगरु विरोधी को मिल कि माइलेज कर्णाटक लोकप्रिय दुग्धजात ब्रांड नंदिनी एवं गुजरात अमूल ब्रांड को नहीं कर्णाटक में हटचमट सृष्टि नंदिनी एवं अमूल संभाव्य मिश्रण खबर भाइराल होगा पर रास्ता को ओल्लाई विभिन्न संगठन खबर सत्यता केते तो दूर कथा हेले नंदिनी सपक्ष में प्रदर्शन सह नाराबाजी
नंदिनी हमारे राज्य के रहित्र के उनका घर का ये संसार का है, रही बात और अमूल का, ये अमूल पर दूसरे राज्यों से इधर राज्यों में हमारे गवर्नमेंट का नंदिनी ब्रांड को ये नानक ये निर्नाम करने के लिए आ रहे, हम करने नहीं देते। कर्नाटक रक्षा वेदी के इधर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF रो ब्रांड नंदिनी रो राज्य रे रहिछि बेस लोकप्रियता। कर्नाटक समेत दक्षिण भारत रो विभिन्न राज्य रे नंदिनी मिल्क प्रोडक्ट रो चाहिदा भी रहिछि। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हैला राज्य रे 24 लाख दुग्ध उत्पादक थिबा बेले अधिकांश हेउछंती पुरणा महिसूर अंचल रो, जहाकु भोकालिगा बेल्ट मध्य कहा जाय। अर्थात एही क्षेत्र रे भोकालिगा संप्रदाय रो लोकक संख्या अधिक। आउ एक महत्वपूर्ण कथा हैला एही अंचल रे कांग्रेस एवं JDS रो दबदबा रहिछि। राज्य रे घरोई दुग्ध उत्पादन जथेष्ट थिबा बेले एक बाहर कंपनी रो दुग्ध ब्रांड कर्नाटक रे प्रवेश करबा नै प्रश्न उठिबा स्वाभाविक, जहार फायदा उठाइबा को अंटा भिडिछंती उभय कांग्रेस एवं JDS। कांग्रेस पीसी सभापति DK शिवकुमार हासन रे एक नंदिनी स्टॉल को जाई निजे विभिन्न सामग्री किनिछंती। JDS कर्मकर्ता माने मध्य नंदिनी सपक्षरे स्वर उत्तोलन करिछंती, तबे नंदिनी को नै राजनीति नहेउ बोली प्रतिक्रिया रखिछंती किछि दुग्ध उत्पादन सोसाइटी। नावेला नंदिनी गाप्ता इदिवी ರೈತರು ಕಟ್ಟಂತ ನಂದಿನಿ ಬರೀ 27-28 ಹಿಂಗೆ ದುಷ್ಮಾತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ಸಭಿ ಲೋಕ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಜೆ ಬಾತ್ ಜೊ ನಂದಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಮಾರೆ ರೈತಕ್ಕೆ इसी बारे में कोई बात नहीं करे, ये चुनाव के वास्ते ये पॉलिटिकल वाले अमूल लोगों को लेकर आए। बीजेपी वाले ये बोलते हैं अमूल भी भारत के ही प्रोडक्ट है। वो क्यों बोलते हैं बोले तो गुजरात केंद्रीय संसद के केंद्र के कंपनी है, बीजेपी में सरकार राज्य के सरकार बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है। उसले नरेंद्र मोदी के गाँव का गुजरात का जो प्रोडक्ट अमूल उसले उन्होंने बीजेपी वाले बोलते हैं अमूल देश के बोल के बोलते हैं। କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁଠୁ ନନ୍ଦିନୀ ଅମୁଲ ବିବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି? 2022 ଡିସେମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମାଣ୍ଡିଆରେ KMF ର ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଉଠାଇଥିଲେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶାହା କହିଥିଲେ KMF ଏବଂ ଅମୁଲ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଯାଇପାରିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅମୁଲ ଏବଂ KMFକୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଥିଲା ଅମୁଲ ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅମୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବେଙ୍ଗଳୁରୁ ସହରକୁ ଆସୁଛି ଅମୁଲ ତାଜା। ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଜରିଆରେ ଲଞ୍ଚ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିଲା। ଅମୁଲର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମିଲ୍କ ଫେଡେରେସନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅମୁଲକୁ ବୟକଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି JDS ମୁଖ୍ୟ SD କୁମାରସ୍ୱାମୀ, ଯାହାର ଜବାବରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ତେଜସ୍ୱୀ ସୂର୍ଯ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁଲ ଗୁଜରାଟର ହୋଇଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ହଜମ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ JDSଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସବରାଜ ବୋମାଇ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ବିନା କାରଣରେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଅମୁଲ ସହ ନନ୍ଦିନୀ ମିଶ୍ରଣ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ କେ ସରକାର ମେ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମ୍ ଥା ହମାର ଡବଲ ହୋ ଗୟା ହେ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡବଲ ହୋ ଗୟା, ମାର୍କେଟ ଡବଲ ହେ ଔର ହମ ପୁରା ଦେଶ ପର ହମ ଏ କରେ ଏ ଚୁପି ଇଲେକ୍ସନ କେ ଟାଇମ ପେ ଏ ରାଜନୀତି କଂଗ୍ରେସ ଔର JDS କର ରହେ ଇସ ବାତୋ ମେ କୁଛ ମତଲବ ନହିଁ ହେ। May 10 କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବାରେ ସବୁ ଦଳ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିବାଦ ଉଭା ହେଉଛି। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ଏବେ ଶିରୋନାମ ପାଲଟିଛି ନନ୍ଦିନୀ ଅମୁଲ ବିବାଦ। ଏଥିରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଫାଇଦା ମିଳିବ କି ନା ତା ତ ପର କଥା, ତେବେ ଶାସକ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, ଏକଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଦେଶରେ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼େ କିଭଳି କରାଯିବ ଏହାର ମୁକାବିଲା?